नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस जो हम करने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एरिया प्रोडक्टिविटी जब हम एरिया प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई भी स्टोर का जो सेल्स एरिया है वो एक्चुअली एक रिटेलर कैलकुलेट करता है कि वो पर्टिकुलर सेल्स एरिया वो पर्टिकुलर जो उसका एरिया है वो कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है देट से पर स्केयर फिट कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है उसका एक रिटेल स्टोर इसकी कैलकुलेशन वो एक रिटेलर करेगा और कैलकुलेशन के बाद वो ये देखेगा कि मुझे किस तरीके से अपनी पर स्केयर फिट सेल्स को इनक्रीज़ करना है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उस फॉर्मूले को जो कि आपको हेल्प करेगा समझने के लिए सो so, फॉर्मूला हमारे पास है एरिया प्रोडक्टिविटी का जिसको हम यहाँ ए के नाम से लिख रहे हैं एरिया प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स एरिया फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर है जो कि एक्स मिलियन की सेल्स कर रहा है और उसका स्केयर फिट कुछ एरिया होगा वो पाँच हज़ार स्क्येर फिट होगा दस हज़ार स्क्यर फिट होगा पचास हज़ार स्क्यर फिट होगा या एक लाख स्क्यर फिट होगा जितना भी एरिया होगा जब हम इन दोनों को, को फार्मूला के अंदर डालेंगे तो वो हमें आउटकम ये देगा कि उसका पर स्केयर फिट कितनी सेल्स जो है वो जनरेट हो रही है तो लेट से हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर वन बाई वन इसकी डिफरेंट uh, पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं लेट्स एग्जाम्पल हमारे पास एक रिटेलर की सेल्स जो है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से वन मंथ वो है वन मिलियन रुपीज के अंदर एज्यूम करें हम उस स्टोर का जो सेल्स एरिया है दैट इज टेन थाउजेंड स्क्र फिट नॉर्मली रिटेल के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन एरिया के हवाले से की जाती हैं वो या तो स्क्र फिट के हवाले से की जाती हैं या स्केयर मीटर के हवाले से की जाती है लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्क्यर फिट के हवाले से होंगी सो लेट से उसका जो एरिया है सेल्स एरिया है वो टेन थाउजेंड स्क्र फिट का है अब हम फार्मूले के अंदर इन्हीं दो बातों को डालते हैं सो so हमने कैलकुलेट करनी है एरिया प्रोडक्टिविटी और एरिया प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो रही है वन मिलियन डिवाइडेड बाय द एरिया विच इज़ टेन थाउजेंड स्क्यर फिट सो हमारे पास आउटकम आया ये और ये आउटकम क्या बता रहा है आउटकम बता रहा है कि आपकी एरिया प्रोडक्टिविटी है हंड्रेड विच मीन्स आपका पर स्केयर फिट एरिया हंड्रेड रुपीज की सेल्स जनरेट कर रहा है आपका पर स्क्र फीट एरिया हंड्रेड रुपीज की सेल्स को जनरेट कर रहा है इसका मतलब यह है कि अगर रिटेलर अपनी पर स्क्र फीट सेल्स को इंक्रीज करना चाहेगा तो उसको दो काम करने होंगे या तो उसको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा यानी कि सेल्स को इंक्रीज करना होगा या अपने सेल्स एरिए को रिड्यूस करना होगा इन दोनों काम करने से या इन दोनों में से कोई एक काम करने से आपकी एरिया प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी बेहतर होगी जो कि एक रिटेलर का मेजर टास्क होता है कि उसने अपने एरिए को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स एरिए को प्रोडक्टिव करना है हम यहाँ लेट्स से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर टू के हवाले से कि एक अगेन रिटेल स्टोर है और वो वन मिलियन के बजाय वो टू मिलियन कि उसकी सेल्स हैं टू मिलियन की सेल्स है एरिया उसका टेन थाउजेंड स्क्र फीट ही है इसका मतलब ये है कि उसकी जो एरिया प्रोडक्टिविटी है वो कितनी निकलेगी क्या वो हंड्रेड रुपीज़ निकलेगी नहीं ऑफ कोर्स क्योंकि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया उसका रेवेन्यू बढ़ गया ऑल्डो कि उसका एरिया सेम रहा उसकी जो पर स्क्र फिट सेल्स है वो टू हंड्रेड रुपीज़ निकल आई ये नहीं कि डबल हो गई क्योंकि उसका रेवेन्यू डबल हो गया उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया सो so, मैंने जिस तरह आपको एग्जाम्पलीफ़ाई किया कि एरिया प्रोडक्टिविटी के लिए इंक्रीज होना सेल्स का ज़रूरी है या ऑफ़कोर्स एरिए को रिड्यूस करना जो कि बहुत रेयर सिचुएशंस है कि जहाँ पर एक रिटेलर डिसीजन लेता है कि मैं पहले सेल्स एरिया मेरा दस हज़ार स्क्र फिट था अब मैं रिड्यूस करके अपने सेल्स एरिया को फाइव थाउजेंड या एट थाउजेंड फीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टोर से इतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली एरिया प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ करना हर रिटेलर का ऑब्जेक्टिव है और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा एक रिटेलर एक बेहतर पोजीशन में होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सेल करने के लिए